हेलो दोस्तों, यू नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी ने AGTA जो न्यू वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग एक नया नोटिस, ऑफिशियल नोटिस जारी किया है जो कि आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस नोटिस में क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आज की डेट है, 19 मार्च की ये डेट है और ये जो है आपका ये ऑफिशियल नोटिस है। तो इस नोटिस में जो है वो कहा जा रहा है, यहाँ पर आप सबको पता है कि इसमें जो है जो पुरानी वैकेंसी थी 2016 वाली उसके 2384 यानी कि 2384 अभ्यर्थियों को जो है इसमें शामिल किया गया है जिनके लिए TPET रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस है। आप सबको बता दें कि उन सब की लेटरल एंट्री कराई जाएगी और उसके बाद जो है इन सब के लिए TPET रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा, ये जितने भी अभ्यर्थी हैं। और इन सबको जो है फिर जो हमारे 2023 PET वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ मर्ज कर दिया जाएगा उनके रजिस्ट्रेशन नंबर को, फिर वो जो है आवेदन कर सकेंगे UPSSSC की जो AGTA की वैकेंसी आई है उसके लिए। तो यहाँ पर जो है आपको बता दें, ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो कल यानी कि 20 मार्च से स्टार्ट होगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल है। तो आप सबको ये सूचित करना था, मुझे ये बताना था कि आप सबके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को जनरेट करने का प्रोसेस क्या है उसको मैं स्टेप बाई स्टेप अगले वीडियो में बताऊँगी। तो इस वीडियो में मुझे आप सबको ये बताना था कि इस तरह का नोटिस जारी हो चुका है। तो आप लोग जो है इसको यहाँ से देख सकते हैं इस नोटिस को, और मैं इसको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे और इसका जो प्रोसेस है उसको मैं अगले वीडियो में आप सबको बताऊंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।